हमारे बॉम्बे के एक गृहस्थी भाई जो है गिरधारी लाल का अनुभव जो है दो तीन बार ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि वो गिरधारी लाल जो थे पहले, वो अपना परिवार उसकी युगल सीता माता और उनके बच्चे के साथ यज्ञ में समर्पित थे हैदराबाद में। फिर बच्चे बड़े हुए तो बड़ों ने कहा कि हमको तो दुनिया में जाना है, दुनिया में जाना है। उसके कारण वो लोग ने, बच्चों के कारण माँ बाप ने भी यज्ञ छोड़ दिया। गिरधारी लाल, सीता माता और उनके बच्चे जो है सब ने यज्ञ छोड़ दिया और बॉम्बे में आ गए। और बॉम्बे में आकर के इन्होंने धंधा शुरू किया, धंधे में बहुत अच्छी कमाई हुई। परंतु पैसा आता है तो क्या होता है, आप सब जानते हैं, पैसा की मोह माया। आप सब, हम सब, हम मोह माया में कितने उसमें व्यस्त रहते हैं, वो तो आप सब, हम सब जानते हैं। तो गिरधारी लाल भी बहुत व्यस्त रहता था धंधे के कारोबार में। हमने दो, मेरे साथ अच्छी उनकी दोस्ती थी। मैंने दो तीन बार उनको कहा, गिरधारी लाल अभी तो आपको बहुत, आप करोड़पति बन गए, थोड़ा तो बच्चों के ऊपर छोड़ दो और बाबा की सेवा में आ जाओ, बाबा का कारोबार में आ जाओ, रोज मुरलियाँ सुनो, बाबा का बच्चा फिर से बन जाओ। पर तो बन नहीं सकता था। उसके बाद उसको हार्ट अटैक भी आया, पहली बार हार्ट अटैक आया, उसने केयर नहीं किया। फिर हमने उनको कहा, मैं उनके घर पे भी दो बार गया कि गिरधारी लाल आप अपने पैसे से, अपने कारोबार से न्यारा बन जाओ, अपने बच्चों को दे दो और आप अपना भविष्य की कमाई के लिए कुछ मेहनत करो। तो भी उसने माना नहीं और फिर क्या हुआ, उसका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। उस जमाने में संदेशियों के तन में बाबा ऐसे आत्माओं को भेजते भी थे। तो गोर्धन गिरधारी लाल के बच्चों ने और उसकी युगल ने गिरधारी लाल के लिए उनका भोग लगाया और संदेशी के तन में गिरधारी लाल की आत्मा आई। गिरधारी लाल की आत्मा आई तो आकर के वो उनके सामने, तो उनके रिश्तेदार बैठे हुए थे, उसकी युगल बच्चे पोते बहू ये सब बैठे हुए थे। मैं एक कोने में बैठा हुआ था। तो मैं उसको वहाँ से मुझे उठाया और मुझे उठा करके कहा कि मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो। और मेरे सामने हाथ जोड़ करके उसने गीत बजवाया, रिकॉर्ड गीत चलाने वाले हैं उनको कहा दो बार वो गीत बजाना, क्षमा करो नाथ मैं चरणों की दासी हूँ। जो ओम नमः शिवाय वाला गीत है उसके पीछे में ये गीत है, जिन्हों को पुराने भाई बहनों को मालूम होगा, वो मैं चरणों की दासी हूँ। इस प्रकार से वो गीत दो बार उसने बजवाया और रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। तो मैंने उनका आंसू भी पहुँच लिया। मैंने कहा गिरधारी लाल भाई आप क्यों रोते हो? तो कहा मैं रोऊं नहीं तो क्या करूँ। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहा मैं बाबा के पास गया जब मेरा शरीर छूट गया, तब मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो करोड़पति था, मैं करोड़पति हूँ तो मेरा तो अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, तुम करोड़पति है नहीं, तुम करोड़पति था, तेरी मिलकत जो है करोड़ों रुपये की मिलकत का मालिक तेरे बच्चे बन गए हैं और तेरा भविष्य तो तूने जीते जी जितना प्रारब्ध बनाया होगा, अपना तन मन धन जितना सफल किया हुआ होगा उसके ही आधार पर होगा और तूने बिल्कुल सफल नहीं किया हुआ है। तेरे युगल सीता ने, बाबा ने उनको कहा तेरे से छिप छिप कर करके थोड़ा थोड़ा यज्ञ के अंदर तेरा धन सफल किया, इतना ही तेरा भाग्य बना हुआ है, इनसे ज़्यादा नहीं बना हुआ है। और तुमको रमेश के द्वारा मैंने बहुत बार संदेश दिया, सावधानी भी दी है, तू तेरे पैसे के नशे में, आप जानते हैं पैसे का नशा क्या होता है, वाइन के रूप में, नशे के रूप में काम करता है। तेरे पैसे के नशे में, तेरे धंधा के नशे में ही तुम व्यस्त रहा और उसके कारण तुमको एक बार हार्ट अटैक के द्वारा भी हमने सावधानी भेजी तो भी तुम नहीं माना। अब क्या होगा, अब तेरा जन्म करोड़पति के रूप में नहीं परंतु रोड़पति के रूप में होगा। तो उसने कहा कि बाबा मुझे रमेश भाई के पास भेज दो नीचू में, मैं रमेश भाई से माफ़ी मांगूँ और रमेश भाई के द्वारा आपकी माफ़ी मांगूँगा।
तो नीचू में आया और मेरे को कहा कि रमेश भाई क्या करूं मैं, आपकी बात को नहीं माना और मेरा करोड़पति होते हुए भी मैं आज नया जन्म रोड़पति के रूप में देता हूं। फिर इन्होंने अपने बच्चों को भी कहा कि मेरा जो भी धन है इसमें से थोड़ा कुछ मेरे लिए बाबा की सेवा में समर्पण करना। तो मैंने कहा कि आपका जन्म तो नक्की हो गया है, तो अभी का धन जो आपको मिलेगा आपके बच्चे आपके लिए करेगा वो कब 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 मिलेगा। तो कहा मैंने बाबा से वो भी पूछा है कि मेरा अभी मैं अभी तो मेरा जन्म तो फिक्स हो गया कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, रोड़पति के रूप में जन्म लेना है, पर तो अभी मेरे लिए मेरा बच्चे जो करेंगे वो मैं जब बड़ा होगा तब लॉटरी के रूप में वो सब धन मिलेगा, और तो जन्म से तो नहीं मिलेगा। जन्म से तो वही धन मिलेगा जो हमने जीते जी समर्पित किया सफल किया हुआ होगा।